चीन में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए शी जिनपिंग ने कहा है कि उनकी सेना दुश्मनों के खिलाफ खुली जंग लड़ने के लिए तैयार है। शी ने दोबारा सत्ता में आने के बाद अपने भाषण में कट्टर राष्ट्रवाद का नमूना पेश किया है। शी जिनपिंग ने मंगलवार को चीन के संसद के सत्र के समापन पर कहा कि चीन अपने दुश्मनों के खिलाफ खूनी जंग लड़ने के लिए हरदम तैयार है। इसी सत्र में उनके दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगी और उनके आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता भी साफ हुआ है। शी जिनपिंग ने 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में कहा कि चीन के लोगों के पास अदम्य साहस और जिद होती है, साथ ही चीन के लोगों का सबसे बड़ा सपना है कि वो अपने देश पर कायाकल्प करें। हम अपने दुश्मनों के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और प्रतिबद्ध हैं। हम दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बेताब हैं। अमेरिका पाकिस्तान के बीच सऊदी अरब के एक प्रमुख वार्ताकार की भूमिका निभा सकता है, ट्रंप सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बात कही। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका की यात्रा के दौरान आए इस बयान को काफी अहमियत से देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आतंकी समूहों पर उचित कार्रवाई न करने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान की वित्तीय सहायता में कटौती कर दी है। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं और सऊदी अरब के पास ये मौका है कि जब वो पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ कोई भी गलत फहमी ना पैदा होने दे। फ्रांस के उपराष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को फ्रांस के पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया और वहां पर उन पर 2007 में चुनाव प्रचार के लिए लीबिया से कई मिलियन यूरो लेने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति पद पर रहे थे। सरकोजी की गिरफ्तारी फ्रांस की राजनीति में अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी मानी जा रही है। चीन में मिले 1,15,000 साल पुराने हड्डी के औजारों के विश्लेषण से पता चल गया है कि देश में प्रागैतिहासिक मानवों द्वारा औजार बनाने की तकनीक कहीं अधिक परीक्षित थी। साथ ही आपको बता दें कि पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार खुदाई में मिली हड्डियों के टुकड़ों पर मौजूद निशान हमें बताते हैं कि उस समय के मानव हड्डी की यांत्रिक संरचना से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि उसके उपकरण कैसे बनाए जाते हैं। अब रेल यात्री इंटरनेट और ऐप पर टिकट बुक कराने के साथ ही ओला कैब के लिए बुकिंग कर सकेंगे। इससे घर के स्टेशन और ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन से घर होटल के लिए आसानी से टैक्सी बुक हो सकेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने फिलहाल 6 महीने के लिए करार किया है। इस करार के मुताबिक रेल यात्री IRCTC कनेक्ट ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर अपनी कैब को बुक करा सकेंगे। रेल यात्री ओला के ऐप और IRCTC के आउटलेट पर जाकर अपनी कैब को बुक कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने चंडीगढ़ में एक साथ कई संगठनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान किया और मिड डे मील वर्कर्स को नवरात्रों पर तोहफा दिया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी करने और वर्ष में 2 वर्दी देने की घोषणा की। वहीं दूसरी बैठक PGT अध्यापकों और एसोसिएशन की तीसरी बैठक हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ हुई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत वो PGT अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति के समय BEd और HTET परीक्षा पास नहीं की हुई थी, उन्हें HTET पास करने के 4 अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का मौका दिया गया है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वाहनों की चेकिंग में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और लिपिकों की मांग पर उनका पूरे राज्य में एक भी कॉडर बनाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने जज्जर और बेरी में व्यापारियों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब से बीजेपी की मनोहर लाल सरकार आई है और उन्होंने सत्ता संभाली है, उसके बाद से प्रदेश के व्यापारियों में अपने धंधे के प्रति आत्मविश्वास पैदा हुआ है और व्यापारी वर्ग के हितों की सुरक्षता को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार ने उन्हें भय मुक्त माहौल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने एक सफलतम और सकारात्मक परिवर्तन के साथ काम किया है। आज पूरे प्रदेश में पूर्व सरकारों के कार्यकाल और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फर्क देखा जा सकता है, जो कि भय मुक्त वातावरण का साक्षात उदाहरण है। हरियाणा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व परिवहन मंत्री चौधरी आफताब अहमद ने मेवात के नू में अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी की मनोहर सरकार को जमकर घेरा। चौधरी ने मनोहर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को 4200 रुपए में खरीदने का दावा करती है, लेकिन मेवात में आज भी किसानों की सरसों को 3300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद कर लूटने का काम किया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी सरकार न केवल किसान विरोधी है बल्कि मेवात विरोधी भी है। फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे राजकुमार सैनी लोकसभा और राज्यसभा पर जमकर बरसे। सैनी ने कहा कि 3 तलाक के बिल को लोकसभा में सभी सांसदों ने मिलकर पास करा दिया, लेकिन राज्यसभा में रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और साथ ही ये कहा कि ये कैसा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के नाम पर देश में लोकसभा का देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। सैनी का कहना है कि अगर वर्ष 2019 में चुनाव में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो जनता के अनुपात में से 100% आरक्षण पूरे देश को मिलेगा और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। साथ ही 100 दिन तक मनरेगा की स्कीम को 300 दिन का किया जाएगा। सैनी ने कहा कि हमारा काम चल रहा है, हम बहुत जल्द ही जनता के बीच में जाएंगे और अपने 5 मुद्दों को जनता के बीच रखेंगे। अगर देश से नहीं होता तो अब हमारे दो नारे के साथ शुरुआत करेंगे। सैनी का कहना है कि हरियाणा के निर्माण से लेकर अब तक 5 मुख्यमंत्रियों ने कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी दूसरे मुद्दों पर प्रदेश की जनता का इस्तेमाल कर उन्हें रुलाने का काम किया है। नूह में हरियाणा राज्य महिला आयोग की टीम ने डेरा डाला और वहीं आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन का कहना है कि महिला आयोग की टीम को लगभग 27 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 20 की सुनवाई हुई जबकि बाकी 7 की सुनवाई आज होगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह महिला आयोग जन सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग की कोशिश है कि दोनों परिवारों में आपसी सहमति बने और परिवार प्यार से रहे। महिलाओं को इंसाफ के लिए अब पंचकूला महिला आयोग दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रतिभा सुमन ने कहा कि हमें महिलाओं को जागरूक करना है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति भी बताना है। हरियाणा के पानीपत में धर्मशाला रोड पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने नई परिवहन नीति और रोड सेफ्टी का बिल का भी विरोध किया। बिल का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि नई रोड सेफ्टी बिल में से न तो केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी चालक भी प्रभावित होंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि अगर सरकार जल्दी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो रोडवेज कर्मचारी 12 अप्रैल को प्रदेश भर में 24 घंटे धरना देंगे।
अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 3 मई को रोडवेज कर्मचारी परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे और फिर बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। फरीदाबाद के शिव कॉलोनी में एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई और इस दौरान गोदाम का रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में इसे शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पिहोवा कस्बा इस्माइलाबाद में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पर गांव के ही रहने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़िता के गाँव का ही रहने वाला है और 3 बच्चों का पिता है। पीड़िता के पिता के अनुसार आरोपी दिसंबर महीने से नाबालिग के साथ गलत काम करता आ रहा था और गांव की ही एक महिला की मदद से ये घिनौना काम किया गया था। वही पीड़िता ने जब अब चुप्पी तोड़ी तो उसने सारी आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। मामले के बारे में पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है, जिसके लिए छापेमारी भी की जा रही है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर 21 से 23 मार्च तक मंडी जिले के प्रवास पर ही रहेंगे। वहीं आज जयराम ठाकुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि 22 मार्च को वो MLSM कॉलेज सुंदरनगर में क्लस्टर कॉलेज भवन की आधारशिला रखेंगे और कॉलेज की वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद जयराम ठाकुर कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और फिर 23 मार्च को जयराम ठाकुर का चैलचक में नागरिक अभिनंदन होगा और इस दौरान वो चैलचक में सिंचाई योजना की आधारशिला और पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। साथ ही सब्जी मंडी परिसर में चैलचक में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोलन के सपरून में कांग्रेस कार्यालय आज बदहाली के आंसू रो रहा है। कभी इस कार्यालय को इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता था और यहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कभी राजनीतिक बिसात भी छाते थे और इसी कार्यालय से हिमाचल की राजनीति चलाई जाती थी। अब बदहाली के ऐसे आंसू बहा रहा है कि भवन की खिड़कियां टूट चुकी हैं, भवन में दरारें साफ देखी जा सकती हैं, भवन की नींव में लगे पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं। इस बारे में जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने माना कि इस भवन के रखरखाव में कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि इस भवन को दुरुस्त करने के लिए करीब 25 लाख रुपए का खर्चा है, जिसका एस्टीमेट बनाकर कार्यालय को भेज दिया गया है। जल्द ही इस भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। चंबा में कई जगह ऐसी सरकार है जहां पर सरकार के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि चंबा के कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर आज तक शौचालय नहीं है, जिनके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय निवासियों ने सरकार से अपील की है कि स्टेशन पर शौचालय बनाया जाए और साथ ही कंदला बोर्ड के मेंबर का कहना है कि सरकारी शौचालय को लेकर सरकार से मांग है कि यहां पर सरकारी शौचालय होने का फायदा यहां की जनता और जो लोग यहां पर बस का इंतजार करते हैं उनको भी मिले, ताकि लोग खुले में शौच ना करें। इराक में फंसे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को राज्यसभा में 2014 में इराक के मोसुल से अपहरण किए हुए 39 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की है। मरने वालों में हिमाचल के भी 4 युवक रहने वाले हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने इराक में मारे गए लोगों पर गहरा दुख जताया है।
39 भारतीयों की मौत की खबर के बाद कांगड़ा के पास के परिवार में सन्नाटा पसर गया है। अमर 13 सितंबर 2013 को इराक बेहतर भविष्य की खोज में गए थे और फिर वर्ष 2014 में आखिरी बार उन्होंने अपने घर वालों से बात की थी, तो माता पिता ने इसे केंद्र सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते कदम उठाती तो सभी भारतीयों को बचाया जा सकता था, उनकी जान बच सकती थी। जब भी सरकार से बच्चों की बात की जाती तो हर बार आश्वासन देकर भेज दिया जाता। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद इराक में फंसे 39 भारतीय परिवारों में मातम छा गया है। हिमाचल के नूरपुर के संदीप नाम के उन 39 भारतीयों की सूची में उनका नाम भी शामिल है जो इराक में बंधक बनाकर रखे गए थे। हिमाचल के सोलन जिले में आयकर विभाग की टीम ने दो व्यापारिक संस्थानों पर छापेमारी की और इस दौरान टीम ने संस्थान के खातों की जांच की और इन संस्थानों पर किरियाने और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार होता है। टीम ने संस्थानों में पहुंचते ही शटर बंद कर दिए और इस दौरान किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। छापे पर कार्रवाई करते हुए आयकर की टीम ने मीडिया से किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से मना कर दिया। हिमाचल में भी नकल करने वाले छात्र नकल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुल्लू जिले में अभी तक नकल के 31 मामले सामने आ चुके हैं और शिक्षा विभाग की सतर्कता के बाद नकल के मामले अभी तक नहीं थम रहे। अध्यापक परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की परीक्षा से पहले चेकिंग भी कर रहे हैं, बावजूद इसके मामले सामने आ रहे हैं। चंबा जिला मुख्यालय में आए दिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बन जाती है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक के रूट को बदलकर एक ट्रायल किया है, जिससे ये समस्या से निजात मिल पाएगी। उन्होंने सभी वाहनों को मुख्य चौक से सीधा हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और सभी वाहन हॉस्पिटल के दूसरी तरफ से घूम कर आएंगे। शासन का ये मात्र दोपहर तक का ट्रायल था, जिससे वो सभी लोगों के पक्षों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आई है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षक संघों ने संयुक्त रूप से प्रदेश सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया है और विरोध के तौर पर सरकार को चेताया है कि अगर ट्रांसफर नीति में फेरबदल किया गया तो वो आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। इसी के तहत संयुक्त शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति से मिला, जिन्होंने उपायुक्त को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और स्थानांतरण नीति को प्रदेश में एक समान बनाए रखने की गुहार लगाई। दिनेश कार्तिक भले ही बांग्लादेश के खिलाफ त्रिकोणीय T20 फाइनल में 8 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाकर देश की भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इस विकेट कीपर बल्लेबाज का कहना है कि जब सर्वश्रेष्ठ फिनिशर की बात आती है तो वो अभी खुद को विश्वविद्यालय का विद्यार्थी मानते हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी टॉपर है। कार्तिक ने कहा कि धोनी ऐसा खिलाड़ी है जिसका मैं हमेशा अनुसरण करता हूं, उनके साथ तुलना अनुचित होगी। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक ने सितंबर 2004 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जबकि धोनी ने इसके 3 महीने बाद दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। मैदान के अंदर जज्बे और मैदान के बाहर अपने जलवे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब IPL से पहले विराट नए हेयर स्टाइल में दिखेंगे और इसके लिए उन्होंने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम से नया हेयर कट करवाया है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब ने मंगलवार को लीग के 11वें संस्करण के लिए अपने कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की।
बदले हुए कार्यक्रम के तहत उनके लीग के पहले तीन मैच अब मोहाली स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसके बाद बाकी के चार मैच वो अपने दूसरे गृहनगर इंदौर में खेलेगी। और इससे पहले पंजाब को अपने शुरुआती तीन मैच इंदौर में और बाकी के बचे चार मैच मोहाली में खेलने थे।